हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर फोर ऑफ योर चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हम क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे, जिसमें हम वन इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े थे। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर रिएक्टेंट्स विल कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ओके, कॉम्बिनेशन में भी ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम पढ़े थे एक्सोथर्मिक होता है कि नहीं? एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एक्सोथर्मिक में द हीट विल बी लिबरेटेड, हीट विल बी रिलीज्ड। ओके, हीट, मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है, जैसे हेबर्स प्रोसेस पढ़ते हैं कि नहीं? N2+H2 विल गिव राइज टू NH3, अमोनिया सिंथेसिस। ओके, इसको हम सिंथेसिस सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। ओके, फिर कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं, है कि नहीं? एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड प्रोड्यूस हुआ था C+H2 give rise to CH2, this is your endothermic reaction. Endothermic मतलब then energy will be absorbed by the reactants. Okay, you will have to give energy here. यहाँ पे हमें energy by product मिलता है. Okay, लेकिन endothermic में हमें energy देना पड़ेगा. You have to apply some energy. Okay, endothermic में energy apply होगा, then the product will be obtained. Okay. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर था। फिर हम क्या पढ़े थे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? जस्ट उल्टा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा क्या होता है? बहुत सारे रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन में हमारा क्या होता है? एक प्रोडक्ट से हमें बहुत सारे सॉरी एक रिएक्टेंट से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं अपॉन सर्टन चेंज इन द कंडीशंस। ओके, कुछ हम अप्लाई करेंगे, अगर चेंज अप्लाई करेंगे कंडीशंस में, टेम्परेचर में हो या हीट देके कुछ भी, तो उसमें क्या होगा? एक एक रिएक्टेंट विल गिव राइज टू सर्टन मेनी प्रोडक्ट्स। ओके, तो वो था डिकम्पोजिशन। फिर डिकम्पोजिशन में हम टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन पढ़े थे। वन वाज योर थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन में व्हेन यू विल गिव हीट एनर्जी, हीट एनर्जी जब हम देते हैं, द मेन मेन कंपाउंड या मेन रिएक्टेंट विल गिव राइज टू द प्रोडक्ट्स। ओके, मेनी प्रोडक्ट्स। तो थर्मल रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? The heat will be used. Okay, heat energy will be used. फिर photochemical decomposition पढ़े थे। photochemical decomposition reaction में क्या होएगा? The light energy will be used to decompose the main reactant. Okay, यहाँ पे क्या होगा? Light energy, जैसे sunlight आया है कि नहीं? HI will give rise to open या hydrogen iodide will give rise to hydrogen and iodide sorry iodine in presence of sunlight. Okay. तो सनलाइट यूज होता है या एनी लाइट, एनी फॉर्म ऑफ लाइट यहाँ पे यूज होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ओके, तो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन थर्मल था, फोटोकेमिकल था, फिर और एक इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में व्हाट वी यूज टू डू, वाटर ले जाते थे, वाटर में कुछ सॉल्ट डालते थे, फिर एनोड एंड कैथोड, एनोड इज योर पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो H2O हमारा डिसोसिएट हुआ करता था, तो कैसा बनता था? H2O डिसोसिएट होके H+ एंड OH- दिस आर द आयंस। ओके, H+ एंड OH- एंड H+ विल गो टू द कैथोड साइड एंड OH- विल गो टू द एनोड साइड, तो OH- जब एनोड साइड आएगा तो OH- विल गिव राइज टू 4OH- मॉलिक्यूल्स विल गिव राइज टू व्हाट, 2H2O प्लस O2, तो O2 यहां पे जमा होगा, तो O2 H2O से कहां क्या बना, एक बन गया O2, फिर जो कैथोड में क्या जाएगा? H+ जाएगा, बिकॉज कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो H+ विल बी गोइंग देयर, तो H+ उधर जाके H+ विल गेट सम इलेक्ट्रॉन, 2H+ विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम H2, तो H2 यहाँ पे डिसोसिएट हुआ है कि नहीं? तो H2 कैथोड में जमा होंगे, O2 मॉलिक्यूल्स विल बी डिपॉजिटेड एट द एनोड। ओके, तो O2 एंड H2 वी विल गेट सेपरेटली फ्रॉम वाटर, वाटर से डिसोसिएट होकर हमें क्या क्या मिला? O2 एंड H2, दैट इट मींस इट इज डिकम्पोज्ड, वाटर डिकम्पोज हो गया O2 एंड H2 सेपरेटली। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सॉल्ट सॉल्यूशन है दैट इज योर बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट। ओके, व्हेन तो यहां पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट यही है कि द करंट इज बीइंग गिवन, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट यू शुड गिव, अदरवाइज no flow of current या no potential difference, no flow of current and hence no dissociation, अगर current flow नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। ओके, तो ये अगर नहीं होगा then what, नहीं ये अगर नहीं होगा तो ये जो H2 and O2 हमें मिल रहा है कैथोड एनोड पे वो हमें नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इज अ बेसिक, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, इसको याद रखना। फिर एनालिटिक, ओके, एनालिसिस रिएक्शन। ओके, एनालिसिस रिएक्शन, तो एनालिसिस रिएक्शन में क्या होता है?
एनालिसिस रिएक्शन में हमारा जैसे एग्जांपल हम लिए थे एनालिसिस रिएक्शन में जीओ ओके एच आई ओके एच जीओ विल बी डिकम्पोज टू एच जी एन ओ टू है कि नहीं, एच जीओ विल बी मर्करी ऑक्साइड विल बी डिकम्पोज टू एच जी एंड आई टू। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो एलिमेंट ये जिस एलिमेंट से बना है उस एलिमेंट तक डिकम्पोज होगा है कि नहीं, ये मरकरी एंड ऑक्सीजन में बना है तो मरकरी एंड आयोडीन नहीं थे, सॉरी एच जी एंड ओ टू, सॉरी ओ टू, तो मरकरी एंड ऑक्सीजन में बना है तो मरकरी एंड ऑक्सीजन विल बी द प्रोडक्ट। ओके सो दिस बेसिकली वाज द टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट वी हैव रेड यस्टरडे या प्रीवियस लेक्चर। ओके तो हम पढ़े थे क्या, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। हाँ जी, हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगर टाइम हुआ तो फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पढ़ते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब पता है आपको, मतलब मूव कर रहा है। ओके डिस्प्लेसमेंट मींस मोशन, डिस्प्लेसमेंट मीन कुछ जगह से कुछ दूसरे जगह जाना। तो यहाँ पे भी वही होता है, जब एक रिएक्टिव एलिमेंट सपोज यहाँ पे आयरन है, जब हम यहाँ पे कुछ एक कंसेप्ट आएगा रिएक्टिव एलिमेंट। ओके तो रिएक्टिव एलिमेंट मतलब दिस एलिमेंट इज बीइंग रिएक्टिव, रिएक्टिव मतलब वो रिएक्ट करेगा एंड इट विल डिस्प्लेस, इट विल डिस्प्लेस। हमेशा याद रखना एक रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा मतलब उठा के फेंक देगा। ओके तो रिएक्टिव एलिमेंट मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल ऑलवेज डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ओके समझ में, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल ऑलवेज डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम व्हाट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट कहाँ पे होगा तो वो वहां से निकालेगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट, कहाँ से, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन या सॉल्यूबल सॉल्यूशन। लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूबल सॉल्यूशन, किसका, सॉल्ट का। ओके ऑफ दैट सॉल्ट सपोज यहाँ पे जैसे एग्जांपल है कॉपर सल्फेट इज अ क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर। ओके कॉपर सल्फेट एक सोल्यूशन है, तो आयरन क्या हुआ, आयरन, आयरन इज मोर, ये याद रखना आयरन इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन देन आयरन इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। ओके इसका कुछ ऑर्डर है, हम आपको बताएंगे, एक ऑर्डर है उसको याद रखना होगा, इसका कुछ ऑर्डर ऐसा है ऐसा है। ओके Mg, this is aluminium, zinc, okay, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट इसलिए दिया है बिकॉज इट इज इनर्ट, दैट इज मतलब इतना रिएक्टिव नहीं है। ओके इनर्ट। ओके सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर ये थोड़ा सिमिलर रिएक्टिव है बेरियम एंड सोडियम कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम जिंक, फिर आयरन, फिर निकल, दिस इज टीन, ओके दिस इज टीन, फिर लेड, फिर दिस इज हाइड्रोजन, दैट इज इनर्ट, फिर दिस इज कॉपर, दिस इज मरकरी, फिर दिस इज सिल्वर, दिस इज प्लेटिनम एंड दिस इज गोल्ड, दिस आर सम इनर्ट, मतलब ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। ओके तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही है, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब यहाँ ये आपको याद रख लेना। ओके यू मतलब जैसे पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट जैसे याद रखते हो, उसमें यहाँ पे भी कुछ ट्रिक्स वगैरह लगाओ, हम एक ट्रिक मतलब जानते हैं लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे, आप कुछ दूसरे ट्रिक में इसको मतलब याद रखो। ओके तो यहाँ पे देखो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके यू आर मिक्सिंग व्हाट, दिस इज योर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, सोल्यूबल सोल्यूशन, ओके सोल्यूबल सोल्यूशन ऑफ इट सॉल्ट, कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट। ओके तो कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन बना दिए, कॉपर सल्फेट इज ब्लू, ब्लू इन कलर, ये क्या है, ब्लू कलर का सोल्यूशन है। ओके ये ब्लू कलर का सोल्यूशन है, उसमें अगर हम आयरन, आयरन सपोज एक रॉड, रॉड हम अगर डुबाएंगे, ओके दिस इज योर आयरन, ओके तो वो क्या हो जाएगा, FeSO4, ये क्या करेगा, आयरन कॉपर आयन जो है ना यहाँ पे कॉपर, CuSO4 इज मेड अप ऑफ Cu2+ एंड SO4 2-, कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन, तो ये क्या करेगा, ये जो कॉपर है ना यहाँ पे कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है इसको डिस्प्लेस कर लेगा, डिस्प्लेस करेगा मतलब उठा के फेंक देगा, कॉपर को उठा के फेंक दिया, खुद आ गया इधर। ओके
तो आयरन विल बी नाउ जॉइंड विथ द सल्फेट आयन्स। ओके, यहाँ पे क्या बना, FeSO4 MCU, मतलब यहाँ पे जो ब्लू कलर था दैट विल बी कलरलेस नाउ आफ्टर रिएक्शन, दैट विल बी कलरलेस। ओके, आफ्टर रिएक्शन, समझ में आ रहा है? तो पहले क्या था, आयरन था, इज मिक्स्ड विथ कॉपर सल्फेट। ओके, कॉपर सल्फेट व्हेन मिक्स करा गया तो हमारा, हमें क्या पता चला, एक कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर। ओके, तो जब कॉपर सल्फेट में हम आयरन डुबा दिए तो क्या बना, कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय व्हाट, आयरन। आयरन विल बी डिस्प्लेसिंग कॉपर, क्यों, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये सीरीज देखो, आयरन इज यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। ओके, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, हटा दिया उसके सोल्यूशन से, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से आयरन कॉपर को हटा दिया और खुद आ गया इधर, समझ में आ रहा है, खुद इलेक्ट्रॉन दिया तो Fe2+ हो गया, है कि नहीं? तो Fe2+ हो गया तो फिर FeSO4 2- के साथ मिला एंड FeSO4 बन गया। ओके, फेरस सल्फेट। ओके, फिर कॉपर ये खुद मतलब बाहर आ गया, समझ में आ रहा है? तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, वन साइड डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि खुद ये बस एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, बस कॉपर इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय आयरन, आयरन डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को। तो ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, हियर याद रखना, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल ऑलवेज डिस्प्लेस, इज ऑलवेज डिस्प्लेस अ लेसर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द सोल्यूबल सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। ओके, सॉल्ट का ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, यहाँ से कॉपर को उठा के फेंक दिया, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन व्हाट, आयरन। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, समझ में आया? ओके, चलिए ये कुछ अदर एग्जांपल है, आप देखो हम लिस्ट बनाए थे ना, और एक बार लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। ओके, ओके, सो दिस बेसिकली इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये याद रखना है, ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो देखो यहाँ पे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस, पहले जिंक था, पहले कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट सोल्यूशन है, जिंक हम डुबा दिए तो जिंक इज व्हाट, जिंक इज व्हाट, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, कॉपर उठ जाएगा इधर बाहर चला जाएगा, तो जिंक सल्फेट विल बी फॉर्मड एंड कॉपर। ओके, दिस इज योर एक्वायर सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो योर एक्वायर सॉल्यूशन एंड दिस इज योर सॉलिड, कॉपर बाहर आ जाएगा। ओके, फिर सेकेंड में देखो, लेड, लेड मिक्सड विथ कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन will give you PbCl2+Cu, मतलब रिएक्शन हो रहा है, तो Pb मतलब लेड इज ऑलवेज लेड, देखो लेड हियर है, इधर कॉपर है तो कॉपर से ये ज्यादा रिएक्टिव है इसीलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ओके, फिर थर्ड में देखो, थर्ड जिंक, जिंक सॉलिड जिंक मिक्स्ड विथ डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज एक्वायर सॉल्यूशन विल गिव राइज टू जिंक, है कि नहीं? जिंक इज रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस करेगा। ओके, H2 को डिस्प्लेस करेगा एंड विल बिकम खुद, खुद क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट एंड H2 विल बी द लिबरेटेड, H2 विल बी, H2 गैस विल बी लिबरेटेड। ओके, सो दिस बेसिकली आर द रिएक्शन। देखो थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन देखो, सॉरी दिस इज फोर्थ, फोर्थ इक्वेशन में देखो क्या बोला है, वी हैव अ सॉल्यूशन दैट इज कॉपर नाइट्रेट एंड यू आर मिक्सिंग हियर व्हाट, सिल्वर, सिल्वर तुम मिक्स कर रहे हो, तो ये बोला है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। कौन बता सकता है व्हाई नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, बिकॉज कॉपर नाइट्रेट में कौन सा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन क्या है, कॉपर है कि नहीं, एंड कॉपर यू नो, कॉपर यू नो इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, है कि नहीं? कॉपर मोर रिएक्टिव देन सिल्वर है, मतलब सिल्वर लेस रिएक्टिव देन कॉपर है, तो सिल्वर कॉपर को उठा के बाहर कर सकते हैं, नो नहीं, नहीं इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पे सिल्वर बीइंग लेस रिएक्टिव
देन कॉपर इट कैन्ट डिस्प्लेस कॉपर, इट कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर, मतलब यहाँ पे कुछ रिएक्शन नहीं हो, ओके, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये तीन जगह में क्या हो रहा था, ये जो मेटल हम ले रहे थे या जो एलिमेंट ले रहे थे, दैट इज मोर रिएक्टिव देन द जो जिसका हम सोल्यूशन ले रहे, जिसका हम सॉल्ट ले रहे, उससे ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव था। लेकिन फोर्थ केस में क्या हुआ, सिल्वर जो हम लिए दैट इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, समझ में आ रहा है? इसीलिए नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो रिएक्शन होने के लिए क्या होना है, इसको ज्यादा रिएक्टिव होना है। ओके, एंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज रिटन हियर, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। ओके, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में बस एक ही डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, एक को डिस्प्लेसमेंट कराया जाता था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो वहां पे क्या होता था, आयोन को डिस्प्लेस करते, कॉपर 2+ को डिस्प्लेस करके जिंक आ रहा था, जिंक सल्फेट बन रहा था। यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड से एक्सचेंज ऑफ आयन्स होंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन्स होगा। आयन्स यू नो ना, कॉपर 2+, बेरियम 2+, क्लोराइड Cl-, ओके, SO4 2-, दे आर सम गेट आयन्स एंड एनायन्स। आयन्स तो एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। आयरन मतलब द आयन्स आर बीइंग एक्सचेंज, ओके, जो आयन्स है दैट विल बी एक्सचेंज। सल्फेट का इधर आ जाएगा, यहाँ पे SO4 आ जाएगा, क्लोरीन इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? वही है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ से भी डिस्प्लेस हुआ सल्फेट, यहाँ से भी क्लोराइड डिस्प्लेस हुआ, है कि नहीं? देख रहे हो ना, सल्फेट देखो कहाँ जा रहा है, बेरियम के पास, बेरियम पे आ गया सल्फेट। क्लोराइड विल बी गोइंग टू सोडियम, Na, तो NaCl बन गया। समझ में आ रहा है? तो वही एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज इट इज एक्सचेंज ऑफ आयन। यहाँ से एक आयन गया, उधर से एक आ रहा है, यानी वहां से भी डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ से भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हेंस द नेम इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो दिस बेसिकली इज द कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम बताए थे, एक प्रेसिपिटेट होगा बता रहे थे ना, प्रेसिपिटेट होगा तो ऐसे हम साइन देंगे बताए थे। प्रेसिपिटेट मतलब कुछ हम रिएक्शन कर रहे हैं, अगर नीचे कुछ बैठ जा रहा है, ओके, सॉलिड के फॉर्म में कुछ बैठ जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, बेरियम सल्फेट दिस इज सॉलिड, ये प्रेसिपिटेट है। ओके, दिस इज योर प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट है। ओके, चेक कर लेना कलर क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, दिस इज योर व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे बन रहा है। तो बिकॉज यू आर गेटिंग अ प्रेसिपिटेट हियर, यू विल बी कॉलिंग दिस रिएक्शन एज, ऑफन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज योर वन सॉल्ट सॉल्ट सोल्यूशन दैट इज सोडियम सल्फेट। यहाँ पे क्या क्या आयन्स है, Na+, SO4 2-, ओके, दिस इज योर फर्स्ट रिएक्टेंट। सेकेंड रिएक्टेंट इज योर बेरियम क्लोराइड, ये हमेशा लिखना है। ओके, एंड यू जस्ट यू नो यू हैव टू रिमेम्बर, यू ऑलवेज हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हम बैलेंसिंग ऑफ मतलब वही चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम इक्वेशन को डील कर रहे हैं, मतलब इसमें बैलेंस हमेशा करना है। ओके, बेरियम क्लोराइड दैट इज योर एक्वायर्ड सॉल्यूशन विल गिव यू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे देखो Na2+ था, Na+ था, SO4 2- है, यहाँ पे बेरियम 2+ था, Cl- है, तो एक्सचेंज हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, Cl- will be going to their side, होगा कि नहीं? Ba2+ के साथ SO4 आया, तो बेरियम सल्फेट हो गया, that is being precipitate, ओके, ये सॉलिड फॉर्म है, व्हाइट इन कलर, बेरियम सल्फेट इज व्हाइट इन कलर। फिर दिस इज NaCl, NaCl विल बी अनदर प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे Na के साथ Cl गया, बेरियम के साथ सल्फेट आया। ओके, सो दिस बेसिकली इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, द आयंस विल बी एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट्स, वॉट एवर वी हैव द रिएक्टेंट्स वी विल एक्सचेंज द आयंस बिटवीन देम, देन वी विल बी कॉलिंग इट एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिकॉज वी विल बी गेटिंग प्रेसिपिटेट, मतलब एक सॉलिड 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 थिंग हमारे नीचे या जो हम जहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं वहाँ पे जमा हो रहा है, हो जाएगा। ओके, दैट्स व्हाई वी विल बी कॉलिंग इट एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, समझ
में आ गया। ओके, यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट जैक्सन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट जैक्सन का कुछ तीन पार्ट में उसको हम क्लासिफाई करते हैं। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट जैक्सन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्लासिफिकेशन फर्दर है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। ओके, थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जैसे हम प्रीवियसली पढ़े हैं प्रेसिपिटेट एक निकल रहा है बेरियम सॉल्फेट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, अनदर वन इज गैस फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे गैस फॉर्म हुआ हो रहा होगा, गैस फॉर्मेशन। यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है यानी सॉलिड एक डिपॉजिट हो रहा है नीचे। ओके, दैट इज योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिर एक गैस फॉर्मेशन, मतलब सब कुछ तो प्रेसिपिटेट, सब हर जगह प्रेसिपिटेशन नहीं आएगा। दैट इज ऑफन कॉल्ड, ऑफन मतलब ज्यादातर टाइम हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हमेशा नहीं होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिर कुछ कई जगह गैस भी फॉर्म हो सकता है, फिर कोई कई जगह न्यूट्रलाइज भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ करेक्टर, यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ करेक्टर, दोनों मिलके कुछ न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकता है। तो एक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, टाइम कितना? ओके, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अनदर वन इज गैस फॉर्मेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ से मतलब वर्डिंग से भी आप पता लगा सकते हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कुछ प्रेसिपिटेट होता होगा, गैस फॉर्मेशन में क्या होता होगा, कुछ गैस विल बी फॉर्मिंग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सम रिएक्टेंट्स, कुछ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का रिएक्टेंट होगी, वो जब मिलेंगे दैट विल बी न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल कंपाउंड विल बी फॉर्मड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में क्या होगा, जो सॉलिड बनेगा ना वो सेपार आउट, देखो जो बेरियम सल्फेट बनता था, बेरियम सल्फेट जो था ये जो सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे जो व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट बनता, प्रीवियस रिएक्शन में जब हम पढ़े थे तो ये व्हाइट कलर था, तो दिस इज टोटली सेपरेटेड आउट। ओके, सेपरेटेड आउट मतलब ये डिस्टिंग्विशेबल है। ओके, मतलब ये डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि पता लग जाएगा हमें कि ये सेपरेशन है। जो सॉल्यूशन एक होगा, सॉल्यूशन हमारा एक फॉर्म होगा, तो उससे ये पूरा पता लग जाएगा कि कुछ डिफरेंट चीज है, समझ में आ रहा, क्योंकि सॉलिड फॉर्म है, तो दैट विल यू नो मतलब वो सेपरेशन होगा। ओके, दिस दिस एंड दिस थिंग, लिक्विड एंड सॉलिड फेज है, पता है सॉलिड एंड लिक्विड को हम अगर मिला रहे हैं, अगर वो डिजॉल्व नहीं कर रहा है तो नीचे बैठ जाएगा, तो नीचे अगर बैठ जाएगा तो हम पता लगेगा कि नहीं कि समथिंग इज बिलो, मतलब वाटर लेवल के बिलो हमें कुछ दिखा दिख रहा है, सो दैट सॉलिड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ओके, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमें हम कब कब बोलेंगे, व्हेन टू सॉल्यूशंस, व्हेन टू सॉल्ट सॉल्यूशन या कुछ भी, व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टुगेदर एंड द सॉलिड, जो सॉलिड फॉर्म हो रहा है, द सॉलिड फॉर्म्ड सेपरेट्स आउट। ओके, द सॉलिड फॉर्म्ड सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन से वो पूरा अलग होगा, दैट विल बी इन एक्वेस एंड दैट विल बी योर सॉलिड प्रेसिपिटेट। ओके, सॉलिड प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड, समझ में आ रहा है, प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। ओके, जैसे बेरियम सल्फेट के केस में बनता था, यहाँ पे भी देखो लेड नाइट्रेट वी हैव BbNO3O2, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं कि नहीं, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं प्रीवियसली, लेड नाइट्रेट प्लस पोटासियम आयोडाइड विल गिव राइज टू लेड आयोडाइड। ओके, लेड आयोडाइड इज येलो इन कलर, है ना, ये पढ़े हैं, येलो इन कलर एंड दिस इज 2KNO3, दिस इज सॉलिड, दिस विल बी योर प्रेसिपिटेट। ओके, प्रेसिपिटेट, तो हमें जो रिजल्टेंट सोल्यूशन मिलेगा दैट इज KNO3, नीचे हम जो सोल्यूशन बनेगा दैट विल बी KNO3 एंड लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड यहाँ पे नीचे रह जाएगा। ओके, दिस इज योर प्रेसिपिटेट। ओके, दिस इज योर प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब जो सॉलिड फॉर्म है दैट विल बी गोइंग टू द बिलो, जो लेवल है सोल्यूशन का, और ये दोनों सेपारेट कर सकते हैं, दिस ये दिस टू कैन बी सेपारेटेड आउट। ओके, ये दोनों अलग हो सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हो PbI2 को KNO3 से। ओके, सो द डिस्टिंग्विशेबल सेपरेटेड सॉल्यूशन, सेपरेटेड सॉलिड पार्ट को हम क्या बोलेंगे, व्हाट यू विल से प्रेसिपिटेट, एंड द होल रिएक्शन विल बी कॉल्ड व्हाट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एंड दिस इज व्हाट, यहां पे क्या हो रहा है, जनरली इसको हम
डबल डिस्प्लेसमेंट में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, लेड 2+ एंड एनओ 3-, यहाँ पे क्या था, K+ एंड I-, यहाँ पे रिजल्टेंट में हमें क्या मिल रहा है, लेड आयोडाइड, मतलब आयोडाइड यहाँ जा रहा है, नाइट्रेट इधर आ रहा है, नाइट्रेट इधर आके KNO3 बन रहा है, लेड के साथ आयोडीन बन या आयोडाइड आयन बन के लेड आयोडाइड बन रहा है, समझ में आ रहा है? सो दिस बेसिकली इज द कॉन्सेप्ट, बिकॉज बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ आयन्स वी विल बी कॉलिंग इट एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, समझ में आया? दिस बेसिकली इज द फर्स्ट फॉर्म. सेकेंड कैटेगरी ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज गैस फॉर्मेशन. गैस फॉर्मेशन, तो इधर क्या होगा, कुछ गैस विल बी इवॉल्विंग, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कॉल्ड एज गैस फॉर्मेशन. गैस फॉर्मेशन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को तभी बोलोगे जब एक इनसॉल्यूबल गैस विल बी प्रोड्यूस्ड. यहाँ पे क्या होगा, इनसॉल्यूबल गैस विल बी प्रोड्यूस्ड, मतलब वो जो गैस फॉर्म होगा, वो जो सोल्यूशन होगा ना आपके पास, सोल्यूशन कुछ फॉर्म होगा, जैसे दिस इज योर कार्बोनिक एसिड, ओके, दिस इज योर कार्बोनिक एसिड, दिस इज द जनरल या कॉमन नेम ऑफ H2CO3. H2CO3 में कार्बोनिक एसिड जिसको बोलते हैं, वो सपोज, इसका मतलब है क्या, दिस इज एच प्लस प्लस व्हाट, कार्बोनेट आयन, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ रिएक्शन हुआ एंड देयर विल बी फॉर्मिंग H2O एंड CO2, तो यहाँ पे क्या होगा, गैस विल बी फॉर्म, यहाँ पे क्या हुआ, गैस फॉर्म हुआ, तो ये जो सोल्यूशन बना ना वाटर में, दिस इज इनसॉल्युबल, वाटर हमें मिला है कि नहीं, वाटर हमें मिला, ओके, वाटर हमें मिला, तो दिस इज योर वाटर, ओके, तो वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज इनसॉल्युबल, ओके, सो जो गैस है, तो गैस है दैट इज इनसॉल्युबल. तो अगर हमें एक इनसॉल्युबल गैस प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हमें एक मिल रहा है इनसॉल्युबल गैस, देन वी विल बी कॉलिंग इट एज गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, ओके, क्योंकि यहाँ पे हम गैस इवॉल्व होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में वो नहीं होगा, ओके, सॉल्युबल नहीं होगा, तो जो रिएक्शन होगा, जो सॉल्यूशन होगा, देयर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी कॉल्ड एज इनसॉल्युबल गैस. तो एनी एनी रिएक्शन में, अगर एनी रिएक्शन में अगर हमारे जो गैस मिल रहा है दैट इज इनसॉल्युबल इन द सॉल्यूशन, देन वी विल बी कॉलिंग इट एज इनसॉल्युबल गैस. एंड अगर इनसॉल्युबल गैस फॉर्म हुआ, अगर इनसॉल्युबल गैस फॉर्म हुआ, वी विल बी कॉलिंग इट एज गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, ओके, गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, ओके. पहले क्या पढ़े थे, डबल, पहले हम क्या पढ़े थे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था, यहां पे क्या होगा, गैस विल बी प्रोड्यूस्ड, गैस विल बी प्रोड्यूस्ड, ओके, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इधर डिस्प्लेस हो रहा है ना, ऑक्सीजन विल बी डिस्प्लेस्ड हियर, ओके, फिर कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आल्सो विल बी डिस्प्लेसिंग टू ऑक्सीजन, मतलब H2O बन रहा है, फिर CO2 भी बन रहा है, ओके, इसका कुछ और ही मतलब थ्योरी है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, हायर क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए याद रखो कि अगर गैस फॉर्मेशन होगा तो, अगर एक इनसॉल्युबल गैस फॉर्म होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, ओके. फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शायद आप लोग पढ़े होंगे पहले से. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर एसिड, हमें पहले क्या पता, हम पहले से पढ़ चुके हैं ना, हम पहले से पढ़ चुके हैं कि कुछ टू टाइप ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक वाले कंपाउंड होंगे, दे विल बी मिक्स्ड, they will be mixed to produce what, they will be mixed to produce some neutral compound hai ki nahi, to acid, dekho acid ek different type of character hai and base ek different type of character hai, okay, and they will be mixing themselves, they will be reacting themselves to produce what, acid aur base milne se kya milta hai hame, salt milta hai ki nahi, salt milta hai, salt and water, salt and वाटर. तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl विल बी मिक्स्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म योर कॉमन सॉल्ट NaCl प्लस H2O, दिस इज योर कॉमन सॉल्ट, ओके, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है कि नहीं, Cl माइनस था, H प्लस था, यहाँ पे Na एंड OH माइनस, तो H प्लस गया OH माइनस के साथ, Na प्लस के साथ
सीएल माइनस गया तो NaCl एंड H2O मिल गया। तो न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि एसिड कुछ कैरेक्टर है, बेस कुछ कैरेक्टर है, दोनों मिलके दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट, दैट इज व्हाट डिफरेंट देन एसिड एंड बेस। उसका कुछ मतलब कैरेक्टर है एसिड और बेस के साथ, नहीं है, वो पूरा न्यूट्रल कंपाउंड। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कोई भी हम दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हैं कि नहीं, H2SO4 के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाओ, है कि नहीं, तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड एंड व्हाट, इफ यू विल यूज H2SO4, दैट इज व्हाट, व्हाट इज दिस H2SO4, H2SO4 इज H2SO4 इज सल्फरिक एसिड, सल्फरिक एसिड के साथ हम अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, इधर H2O तो मिलेगा एंड सॉल्ट विल बी CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। समझ में आ रहा है, तो ऐसे तुम रिएक्शन बना सकते हो। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पहले क्या पढ़े हैं, पहले हम पढ़े प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जहां पे सॉलिड कुछ फॉर्म होगा, दैट विल बी सेपरेटेड आउट, गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, गैस फॉर्मेशन में एक इनसॉल्युबल गैस विल बी प्रोड्यूस, इनसॉल्युबल गैस वो भी सेपरेटेड हो सकता है। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कुछ टू डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग, दैट इज योर एसिड एंड बेस विल बी रिएक्टिंग देमसेल्व्स या रिएक्टिंग ईच अदर टू फॉर्म अ सॉल्ट, फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, सो दिस बेसिकली एंड्स ऑफ हियर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, फिर हम आएंगे ऑक्सीडेशन में एंड रिडक्शन में, आज कुछ थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे इसके लिए। ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट में इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कब ऑक्सीडेशन होता है एंड कब रिडक्शन होता है। आज हम बस हिंट दे रहे हैं। ओके, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो हमारे पास रिएक्टेंट होगा दैट विल बी रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। ओके, दैट विल बी मिक्स्ड विद ऑक्सीजन to form a oxidized compound, okay? तो मतलब यहाँ पे reactants में oxygen आना ही है, okay? Oxygen हमें मिलाना ही है, okay? तो ये different type of oxidation है, और भी oxidation है, बहुत सारे property, बहुत सारे type of oxidation है, okay? वो भी हम पढ़ेंगे। तो reactants में oxygen मिलाएंगे, तो ये देखो जैसे copper था, oxygen मिला दिए, तो क्या बना? CuO, copper oxide बन गया, तो oxide form हुआ, है कि नहीं? तो दिस विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कैसे हैं, ऑक्सीजन मिला रहे हैं, ऑक्सीजन मिला रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन मिला रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज दिस, इसको भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन मिला है ऑक्साइड मिल गया, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, है कि नहीं? तो दूसरे टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, अगर एक कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट इज विल बी गिविंग, अगर हमारे पास सपोज हमारे पास Na है, सोडियम है, ओके, सोडियम है, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सपोज सोडियम इज गिविंग इलेक्ट्रॉन, सोडियम विल बी गिविंग वन इलेक्ट्रॉन टू बी बिकम स्टेबल, है कि नहीं? सोडियम, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है कितना है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरॉन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियॉन सोडियम, सोडियम इज 11th, 11th मतलब 2 8 एंड 1, तो ये अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो स्टेबल बन जाएगा। तो ये टू बिकम स्टेबल, Na टू बिकम स्टेबल विल लूज एन इलेक्ट्रॉन टू बिकम Na प्लस, तो ये जो लूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ओके, ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा हिंट दे रहे हैं। पहले तो एक ऑक्सीजन मिला दिए तो ऑक्सीडेशन हो गया, और एक टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन इज जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड, Na पे Na का Na क्या आउटर मोस्ट सेल में वन इलेक्ट्रॉन था, दैट इज बीइंग डोनेटेड, इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। ओके, तो इलेक्ट्रॉन लूज करके वो Na प्लस बनेगा, तो वो जो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ओके, ये कुछ आप कुछ हिंट ले लीजिए, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन में क्या पता चला, पहले ऑक्सीजन मिलाओ, ऑक्साइड्स बनाओ, फिर इलेक्ट्रॉन लूज करो, कुछ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। ओके, इलेक्ट्रॉन लूज करके जो प्लस बन रहा है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। ओके, दिस बेसिकली इज योर ऑक्सीडेशन, और कुछ है नहीं, लेकिन पढ़ेंगे। ओके, फिर रिडक्शन, रिडक्शन नहीं पढ़ें, रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में आज थोड़ा पढ़ लेते हैं, रिडक्शन में क्या होगा,
रिडक्शन में भी वही, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन विल बी गेंड, ओके। रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, ओके। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तो Na प्लस, Na प्लस, या ये दूसरे ऐसे सपोज Na प्लस विल गेट इलेक्ट्रॉन, ओके। गेट इलेक्ट्रॉन विल Na प्लस है ना, Na प्लस विल बी गेटिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम Na, तो ये हो गया अपना रिडक्शन रिएक्शन, बिकॉज हियर यू आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ओके। समझ में आ रहा है? नहीं तो क्लोरीन 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 में हम अगर टू इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो फिर ये 2Cl- बनेगा। यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं कि नहीं? क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे सो दैट इट विल बिकम स्टेबल, तो इलेक्ट्रॉन टू, ये टू क्यों किया, क्योंकि टू टू मतलब ये जो मॉलिक्यूल में टू एटम ऑफ क्लोरीन है, टू नंबर ऑफ क्लोरीन है, दैट्स व्हाई टू बैलेंस द इक्वेशन यू आर एडिंग टू इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक एक क्लोरीन के लिए हम अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये Cl- बन जाएगा, है कि नहीं? तो इसकी तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन रिएक्शन, ओके। समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस बेसिकली इज योर रिडक्शन रिएक्शन, ओके। और एक ऑक्सीजन अगर लूज करेगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन गेन कर रहा था, अगर ऑक्सीजन लूज करेगा तो भी वो इसका जस्ट ऑपोजिट, ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट, ऑक्सीजन अगर लूज करेगा, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन, ओके। लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन, मतलब इसका थोड़ा ऑपोजिट, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। और एक टाइप ऑफ रिएक्शन है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, साइमल्टेनियसली दोनों होंगे, ओके। ये पूरा बाद में पढ़ेंगे, ओके, आज बस हिंट दे रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में हमारा क्या होगा, दोनों साइमल्टेनियसली होंगे, व्हाट वी हैव टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडाइज भी हो, ऑक्सीडेशन भी होगा होगा एंड रिडक्शन भी होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, CuO+H2 इज गिव राइज टू Cu+H2O। देखो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन लूज हुआ एंड कॉपर बन गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लूज हुआ, ओके। तो ये क्या बन गया, रिडक्शन, पढ़े थे ना, ऑक्सीजन अगर रिड्यूस होगा तो सॉरी, ऑक्सीजन अगर कम मतलब उठ गया उससे तो, मतलब डिलीट हो गया उससे तो विल बी कॉलिंग इट एज रिडक्शन। एंड अगर कोई एलिमेंट या कोई मॉलिक्यूल इज गेटिंग ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बनाता है, H2+O2 गिव्स राइज टू H2O, H2 से H2O कैसे बना, ऑक्सीजन मिलके, तो ऑक्सीजन यहाँ पे मिल गया, मतलब दिस इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। समझ में आ रहा है? तो इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे CuO मतलब Cu2+ एंड O2-, है कि नहीं? Cu2+ एंड O2-, यहाँ पे Cu0 है, तो Cu2+ से हमें Cu मिला, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया, है कि नहीं? 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो कॉपर बना, है कि नहीं? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया एंड इलेक्ट्रॉन गेन मतलब रिडक्शन, तो यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन हुआ, है कि नहीं? उसके हिसाब से समझ में आ रहा है ना, ओके। सेम ही यहाँ पे H2 मतलब हाइड्रोजन का 0 चार्ज था, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना चार्ज है, H+, दिस कैन बी रिटन एज H+ एंड OH-, H+ चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हुआ, -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज किया, 0 से +, कैसे होंगे हम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, डिवॉइड कैसे होंगे, प्लस मतलब डिवॉइड ना, यहाँ पे कुछ है नहीं इलेक्ट्रॉन, ओके। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लूज करेंगे, तो ये क्या बन गया, ऑक्सीडेशन। तो यू कैन मतलब तुम समराइज कर सकते हो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को, कैसे करोगे समराइज, जब इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो रिडक्शन, जब इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो ऑक्सीडेशन, जब तुम ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन लूज करोगे तो हम क्या बोलेंगे उसको, रिडक्शन, जब तुम ऑक्सीजन गेन करोगे उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। समझ में, दोनों 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 प्रोसेस अगर एक रिएक्शन में हो रहा हो तो उसको बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। सो दिस बेसिकली इज योर रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। ये इतना ही है, लेकिन और थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जैसे रस्टिंग वगैरह है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ओके। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और एक बार पढ़ लेंगे, ओके। आज के लिए इतना याद रखो कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव्स राइज टू व्हाट,
ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल्स विल बी द प्रोसेस वेयर रिडक्शन विल बी अकरिंग एंड गेटिंग गेनिंग द ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड लूजिंग ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ओके तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम फिर से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ओके तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।